दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस एक के बाद एक एक्शन ले रही है। ऐसे भी कहा जाए कि दिल्ली पुलिस उपद्रव के बाद सख्त हो चुकी है तो शायद गलत ना होगा। आपको बता दें कि पुलिस के अब इस नए एक्शन के बाद दिल्ली में धरना स्थल पर किसानों के लंगर वाहन व अन्य वाहनों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। वहां केवल अब पुलिस और मीडिया के ही वाहन जा सकेंगे। किसान ट्रैक्टर रैली में उपद्रव के बाद दिल्ली में जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं कई और भी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं को लुकआउट नोटिस भेजने की भी तैयारी कर रही है। यानी एफआईआर में जिन नेताओं के नाम है उनको लुकआउट नोटिस भेजा जाएगा। आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लंगर की गाड़ियों समेत सभी तरह के वाहनों पर रोक लगा दी है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब तक दिल्ली पुलिस और आईबी के अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठक कर चुके हैं और पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। बताते चले कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक कई उपद्रवियों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अन्य की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का अभियान भी जारी है। यहां तक कि दिल्ली में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। मंगलवार को ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बुधवार सुबह से देर रात तक पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिखी। बागपत जिले के बड़ौत में 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने आधी रात को हटा दिया। वहीं इस बीच गाजियाबाद जिले के एडीएम ने धरनास्थल का दौरा किया और उन्होंने कहा है कि धरनास्थल को एक से डेढ़ दिन के भीतर खाली कराया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद किसानों पर पुलिसिया कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार रात 8 बजे बिजली भी काट दी गई, जिससे किसानों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.